इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी कर दिया है। 78 पेज के वचन पत्र में 52 नए बिंदु और वादे शामिल किए गए हैं। इस वचन पत्र में 2018 के वचनों का क्रियान्वयन किया गया है। कांग्रेस ने मिनी वचन पत्रों की भू सुधारी है। वचन पत्र में सोनिया, राहुल के साथ कमलनाथ की भी फोटो है। कमलनाथ के मुताबिक वचन पत्र में अगले 3 साल का नक्शा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को उपचुनाव में जनता सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। इन्होंने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया है। सबसे ज्यादा मजदूरों का उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश में। आपने सब पूरे प्रदेश ने टेलीविजन में देखा कैसे मजदूर भटकते हुए आ रहे थे। ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 16 दिनों में 15 दिनों में जनता इस पर विचार करके ऐसा फैसला करेगी कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। और कांग्रेस के